नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और इस वीडियो में हम बात करेंगे कोइनेक्स के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ और अपडेट्स हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और क्यों ये वीडियो आप लोग के लिए ज़रूरी है पहले ही बताता हूँ। बीच में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे नए यूज़र्स जितने भी हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी अपना अकाउंट क्रिएट करने पर, और कई सारे लोगों को INR विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही थी, कई सारे लोगों को इथीरियम विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही थी, कई सारे लोगों का KYC कम्प्लीशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके रिगार्डिंग जितना भी अपडेट है कोइनेक्स का अभी, उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसके आगे अगर आप लोगों ने अभी तक कोइनेक्स पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है और अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं INR करेंसी के द्वारा, किसी क्रिप्टो करेंसी को परचेज करना चाहते हैं INR मतलब इंडियन करेंसी, तो आप क्रिप्टो इस कोइनेक्स एक्सचेंज पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नीचे रेफरल लिंक मैंने आपको एक दिया है, उसका यूज अगर आप करेंगे तो आपको ₹50 का बोनस मिलेगा। तो मेक श्योर कि उस लिंक से आप जाएं ताकि आपको ₹50 का बोनस मिले। अगर आप वैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, अगर आप इस लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको ₹50 का बोनस मिलेगा। अब बात करते हैं न्यूज़ और अपडेट्स की। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी इथीरियम विड्रॉल में। तो इसके रिगार्डिंग कोइनेक्स ने अपना आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें कुछ चीज़ों को मेंशन किया, क्या चीज़ें हो रही थी उसके रिगार्डिंग, इनके क्या अपडेट्स हैं। तो पहला प्रॉब्लम था ETH ट्रांजेक्शन में, यानी कि इथीरियम जो था वो विड्रॉल नहीं हो पा रहा था और डिपॉजिट, इस पर प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या हुआ कि बीच में एक गेम लॉन्च हुआ, उसका नाम था क्रिप्टो किटीज। अब ये गेम क्या है, इस गेम में क्या होता है, आप बिल्ली खरीदते हैं। अब आप लोग को मजाक लगेगी ये बात, लेकिन ये सच बात है। इस गेम में जाके आप एक बिल्ली खरीदते हैं और उस बिल्ली जब आप खरीद लेंगे तब एक बंदा जिसके पास बिल्ला होगा, वो बिल्ली उस बिल्ले के साथ जाएगी और उनका एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा फिर आपका होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बिल्ली का बच्चा अपने पास आपने पैदा कर लिया, बिल्ली का बच्चा आपके पास हो गया। अब वो बिल्ली के बच्चे को जब आप बेचोगे, ठीक है, उस बिल्ली के बच्चे को बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, इथीरियम मिलेगा। तो ये जो गेम है, ये पूरा का पूरा गेम जो बेस्ड है, ये इथीरियम बेस्ड गेम है, यानी कि आप इथीरियम का यूज करके इसमें एक बिल्ली परचेज करते हो और इथीरियम की मदद से फिर जब आप बेचते हो तो आपको इथीरियम मिलता है। तो इस तरीके से गेम काम कर रहा है। अब हुआ क्या कि जो गेम है क्रिप्टो किटीज, इसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपने इथीरियम बेच के अपने इथीरियम को जो अमाउंट था वो विड्रॉल कर लिया दूसरे पे, मतलब कि इस जो ये क्रिप्टो किटीज है यहाँ पर अपना इथीरियम डाल दिया ताकि यहाँ पर वो बिल्ली खरीद सके। अब ये बिल्ली असली वाली बिल्ली नहीं है, ये डिजिटल बिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिजिटल बिल्ला और बिल्ली सारे डिजिटल हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बिल्ली खरीदी। अब उससे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतने ज़्यादा मैसिव अमाउंट में वो इथीरियम ट्रांसफ़र किया गया उस दौरान, कि जिससे क्या हुआ कि इथीरियम की जो नॉर्मल सप्लाई होती है, जिस तरीके से काम होता है, वो थोड़ा समय के लिए उसमें दिक्कत आने शुरू हो गई। तो जितने भी एक्सचेंज थे वहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी सारे एक्सचेंज पे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इथीरियम का विड्रॉल नहीं हो पा रहा था। तो इसके रिगार्डिंग पहला जो इनने पॉइंट मेंशन किया है, इसमें यही लिखा है इन लोगों ने कि इस गेम के कारण बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक इनके उसमें आया और बहुत सारे लोगों ने क्योंकि उस पर पार्टिसिपेट किया है उस गेम पे, इस वजह से ये ETH का जो विड्रॉल है इस पर प्रॉब्लम आ रही थी, यही इनने इस वीडियो पे इस वाले पॉइंट पे मेंशन किया है। इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट पे इन लोगों ने बताया है KYC कंप्लीशन के रिगार्डिंग, पूरा ये पॉइंट है। इस पर क्या है कि बहुत सारे लोगों को अपनी KYC वेरिफिकेशन में और अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो इनका क्या हुआ कि इनके पहले के जो कुछ KYC थी, जो पहले जिन लोगों ने रजिस्टर किया था कोइनेक्स पे, तो उन लोगों की KYC कंप्लीट हुई नहीं, उन लोगों की पेंडिंग KYC थी कई सारे लोगों की। अब ये लोग अपनी पेंडिंग KYC कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो इन लोगों ने सोचा कि कुछ समय के लिए हम इसे नए यूज़र को रजिस्ट्रेशन उनका थोड़ा समय के लिए बंद करते हैं ताकि हम पहले पहले वाला काम निपटा लें, उसके बाद जाके नए यूज़र्स को हैंडल करेंगे। तो क्योंकि इनके पास इनने लिखा है कि वी रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ न्यू यूजर्स इन 24 आवर्स विद मोर एंड मोर पीपल ज्वाइनिंग द प्लेटफॉर्म। इस वजह से क्या हुआ कि इनके पास 24 घंटे के अंदर इतने सारे लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया कि ये पहले का ही नहीं संभाल पा रहे थे और इतने सारे लोगों ने और रजिस्टर कर दिया। तो इन लोगों ने फिर कुछ समय के लिए इसे रोक के
पहले वाला वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। अब आज 8 तारीख है, आज 8 दिसंबर है, और इन्होंने लिखा है कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन विल बी रिज्यूम्ड फ्रॉम दिसंबर 7, 2017, यानी कि कल शाम से, जो पिछला कल गुजर गया है उस कल से ये पूरा, आप नए यूजर जो भी हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर उन्हें किसी को रेफर करना है, किसी को यहाँ भेजना है, तो वो ये काम भी कर सकते हैं और अपनी केवाईसी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि जो केवाईसी का प्रॉब्लम, जो नए यूजर यूजर के रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम था, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, और उसमें जो दिक्कत आ रही थी वो मामला रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा, इन्होंने नॉर्मल जनरल लिखा है कि INR डिपॉजिट विड्रॉल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, और वो इन्होंने मेंशन किया है तीसरे पॉइंट पे, इतना कुछ खास है नहीं इस पॉइंट पे। चौथे पे आते हैं, इन्होंने लिखा है कि शट डाउन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल 4 दिसंबर को इनका शट डाउन हो गया है। अगर आपको कोई न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके फेसबुक पे, ट्विटर पे जाके वो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, और इनके जो चैनल है अलग चैनल, वो ये बता देंगे क्या है कैसा है, और उस पर जाके आप इनकी न्यूज़ देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने पांचवें पॉइंट पे मेंशन किया है कि देयर मे बी फेक एप्स ऑफ गूगल प्ले स्टोर एंड iOS ऐप स्टोर इन द नेम ऑफ कोइनेक्स। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पे और iOS ऐप स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आ रही है जो कि फेक एप्लीकेशन है, और वो कोइनेक्स के नाम पे चल रही है। ठीक है, तो इन सारे जितने भी ऐप्स हैं उनसे आपने बच के रहना है। उनसे क्यों बच के रहना है? वो इसलिए रहना है क्योंकि जब आप कोइनेक्स पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं, तो उसके लिए अपना अमाउंट जो है, जो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा है, उसको डाल के आप परचेज करते हैं। तो आप अगर फर्जी ऐप में जाएंगे, वहां पर अगर आप कोई कॉइन परचेज करेंगे, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, और उस दिक्कत से बचने के लिए और उसको अवेयर करने के लिए आपको इनने इन्फॉर्मेशन दे रखी है पांचवें नंबर पे कि इतने सारी ऐप देखी है या फिर हो सकती हैं जिन पे आपने बच के रहना है। और इन्होंने लिखा है कि वी विश टू वॉर्न आवर यूजर्स अगेंस्ट सच ऐप्स, प्लीज डोंट इंस्टॉल यूज एनी ऐप इन द नेम ऑफ कोइनेक्स अनलेस इट कम्स आउट फ्रॉम एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम टीम कोइनेक्स, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, मीडियम। ये कह रहे हैं कि इन चार मीडियम्स पे, ईमेल के जरिए, फेसबुक, ट्विटर और मीडियम, इन प्लेटफॉर्म पे जब आपका आपको मेल आ जाए, या फिर इनके फेसबुक में ऑफिशियली जब ये डिक्लेयर करेंगे कि इनकी कोई ऐप आ रही है, या फिर इस ऐप पे कोई ऐप ये लॉन्च करेंगे अगर ऑफिशियल तरीके से, तभी आप जाके उसे इंस्टॉल कीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये तो आप लोग, इन लोगों ने 5 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पर बताया है कि फॉर ऑल क्वेरीज प्लीज ओनली यूज सपोर्ट टिकट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप सपोर्ट टिकट का यूज कीजिए। सपोर्ट टिकट कहाँ से यूज करेंगे? सपोर्ट टिकट आपका लास्ट में ये वाला आ रहा है, सपोर्ट टिकट्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट टिकट्स आ रहा है, तो वहां पर जाके आप किसी भी क्वेरी, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो उसका यूज करिए, या फिर ईमेल एंड फेसबुक चैट का आप यूज कर सकते हैं, तो इनसे बात करने के लिए। ये वाले पॉइंट पे इनने ये मेंशन किया है। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि प्लीज डोंट पैनिक व्हेन योर ट्रांजेक्शन इज स्टक। कभी भी अगर आपका INR विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, या फिर INR डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, या फिर क्रिप्टो करेंसी आपकी विड्रॉल नहीं हो पा रही है, तो उसमें कभी भी कोई ऐसा, मतलब डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज अक्योर होती है, कभी भी ऐसी कोई चीज होती है, तो उसके पीछे ये बोल रहे हैं कोई ना कोई रीजन होता है। और जब भी ऐसा कुछ हो, तो प्लीज ठंडे दिमाग से शांत रहिए और धैर्य बनाए रखिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, मैं उनकी खबर आपको बता रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि प्लीज हैव फेथ एंड पेशेंस, द एंटायर टीम एट कोइनेक्स इज वर्किंग ऑन योर इश्यूज एंड क्वेरीज टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, वी रिक्वेस्ट यू टू हेल्प अस इन हेल्पिंग यू। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी मदद करो ताकि हम आपकी मदद कर सकें। उस समय पे आप ज़्यादा गर्म मत होइए, ठंडे दिमाग से जो भी दिक्कत होती है उसके रिगार्डिंग आप इनको मेल भेजिए, या फिर सपोर्ट टिकट पे जाके अपना एक टिकट रेज कीजिए, इनको बताइए प्रॉब्लम क्या हुई अगर ऐसा होता है तो। तो ये इन्होंने चौथे पॉइंट पे मेंशन कर दिया है। पांचवें पे ये बोल रहे हैं कि INR ट्रांजेक्शन में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, और वो बैंक की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि जो बैंक का नॉर्मल जो टाइम होता है, जब ये लोग बैंक को कोई मैसेज भेजते हैं, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर वो लोग रिप्लाई करते हैं। तो ऐसे में ये लोग बोल रहे हैं कभी कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए कोई
ये ऑटोमेशन होता है, जो भी आप आईएनआर विड्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हैंड टू हैंड नहीं हो रहा है, कोई मैनुअल नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन है। जब भी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, सब लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी कोइनेक्स के यूजर हैं, जितने भी कोइनेक्स को यूज करते हैं, उन सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। उस टाइम पर आप घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं कि अपने एंड से जो भी करेंगे काम करेंगे, और इस तरीके से इन्हें पांचवें पॉइंट पे मेंशन किया है। बाकी जो है एग्जैक्टली आप इनकी रीड कर सकते हैं, मैंने आपको केवल इन्फॉर्मेशन देनी है इनके रिगार्डिंग। छठे पॉइंट पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग अपनी टीम को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनने पूरा क्या लिखा है वो पढ़ के आपको बताता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू स्केल, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू स्केल आवर टीम, आवर प्रोसेस, आवर ऑपरेशंस एंड आवर प्लेटफॉर्म। द नेक्स्ट फ्यू डेज विल ब्रिंग अलॉन्ग अ होल बंच ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन द प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग अपने उस पर वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, और अपनी टीम वगैरह भी, ये लोग अपनी जो भी कर रहे होंगे जिस तरीके से, ये लोग पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने एक्सचेंज को बढ़िया बना सकें और अच्छा कर सकें। तो इस तरीके से ये पूरी न्यूज़ और अपडेट थी। आशा करता हूँ इस न्यूज़ और अपडेट से आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी भी अगर कोई दिक्कत है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो नॉर्मल प्रॉब्लम किसी को आती है अगर, तो वो कमेंट पे लिख सकता है। अगर वो हमने फेस करी है और उसका कोई सॉल्यूशन मैं दे सकता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको कोई कोइनेक्स के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली कोइनेक्स पे उससे बात करेंगे, जो जिस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया है, या सपोर्ट टिकट की मदद से, या ईमेल उनको भेजिए, या फिर फेसबुक पे आप उनसे डायरेक्टली चैट कीजिए। इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अपने बारे में बताता हूँ आपको, मैं कोई कोइनेक्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं केवल एक बंदा हूँ जो कोइनेक्स को यूज़ करता है, जिसने कोइनेक्स को यूज़ किया है और मुझे अच्छा लगा कोइनेक्स को जब मैंने यूज़ किया, जब मैंने उस पर INR के थ्रू अपने पैसे से कोई कॉइन कॉइन परचेज किया, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इनकी बारे में बात आपको बताता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो करेंसी पे, कोई क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो कोइनेक्स एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं किसी भी कॉइन को, और डायरेक्टली अपने अकाउंट पे विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने करेंसी को बेच के जो पैसा आपका बनेगा, उस पैसे को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट पे आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है कोइनेक्स का, और बहुत अच्छा है इनका लेआउट और सब चीज़ें, कोइनेक्स की जितनी भी हैं, एक्सचेंज पूरा अच्छा है। भले ही पांच क्रिप्टो करेंसी पे हम लोग अभी एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पांच क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिन पे भरोसा भरोसा किया जा सकता है। उनमें से तीन करेंसी अच्छी है, जैसे बिटकॉइन। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा अब क्या बोले, बोलते 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 गला थक गया, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि आपसे इन पे जो करेंसी है वो सही है, और तीन करेंसी हैं जो कि बढ़िया हैं, एक तो चार करेंसी है एक्चुअली, एक तो बिटकॉइन, दूसरा लाइट कॉइन, तीसरा इथीरियम, और चौथा आपका रिपल XRP। इसके अलावा पांचवा भी है बिटकॉइन कैश, मगर जो मुझे सही लगता है वो ये चार करेंसी है जिन पे हमें ट्रेड करने का मौका मिलता है, तो इस तरीके से अच्छा है। बाकी ये बीटा वर्जन है कोइनेक्स अभी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि इम्प्रूवमेंट चल रहा है इनके अंदर। तो उस फेज पे क्या होता है बीटा वर्जन पे कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, और सबसे बढ़िया बात कोइनेक्स की मुझे ये लगी कि एक ट्रांसपेरेंसी है। जब भी इन लोग के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो बजाय उसके कि ये उसको छुपाएं, ये आपके सामने बताते हैं, नोटिफिकेशन आपको देते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, इस वजह से ये हॉल्ट कर दिया गया है या फिर ये रोक दिया गया है। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं कोइनेक्स की। अगर आप चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना, तो ये राइट टाइम है, आप जा सकते हैं। नीचे जाइए, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए ताकि आपको 50 रुपये का बोनस मिल सके। एडिशनली एक बोनस के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को KYC कंप्लीशन में टाइम लग रहा है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार KYC कंप्लीशन, जो KYC का वेरिफिकेशन है, उस पर टाइम लग रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो इनकी न्यूज़ बीच में आई थी वो ये थी कि 5 से 6 वर्किंग डेज का टाइम ये लोग लेंगे KYC वेरिफिकेशन में। और क्यों लेंगे वो आपको अभी ऊपर समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे यूजर दिन प्रतिदिन रजिस्टर करते जा रहे हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अब इतने सारे लोग का KYC हैंडल करना है, और KYC कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, KYC मैनुअली चेक करनी पड़ती है।
हर एक बंदे की केवाईसी को मैनुअली चेक करना पड़ता है कि ये इसी की आईडी है या फिर ये आधार कार्ड या फिर ये पैन कार्ड जो इसने सबमिट किया है ये इसी का है या किसी और का है, तो वो मैनुअली किया जाता है। अगर नहीं करेंगे तो इन लोग के लिए भी प्रॉब्लम है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। कल के दिन अगर एक्सचेंज बंद हो जाए किसी फ्रॉड एक्टिविटी के कारण या किसी फ्रॉड केवाईसी के कारण, तो इन लोग का तो प्रॉब्लम है ही है, वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस वजह से ये लोग टाइम ले रहे हैं, जो कि एक तरीके से सही है। स्टार्टिंग में कोइनएक्स में बहुत कम यूजर थे तो 1 या 2 दिन का टाइम लगता था केवाईसी कंप्लीशन में, लेकिन अब टाइम लग रहा है 5 से 6 दिन का। तो ये टाइम है, मैं आपको बता दिया। तो ये था इस वीडियो में दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं लगा डिसलाइक करना। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे वीडियो जो और चाहिए, तो ये ऊपर जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन का एक आइकन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जाएँ और आप अवेयर हो सकें इन चीज़ों के बारे में। तो ये वीडियोज मैं आपके सामने लाता रहूंगा इस तरीके की और क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।